हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमर्स। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अक्रूरल के 22 जुलाई फ्यूचर्स जो है यहाँ पर करंटली मार्केट में किसे ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर आज के सेशन के लिए प्राइस का किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इंट्राडे लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए करंटली जिस तरह से कैंडल्स और जिस तरह से यहाँ पर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटीमेंट, यहाँ पर मैंने आपको कल के मॉर्निंग सेशन के अंदर ही आपको बताया था कि एक अच्छी खासी जो है लॉन्ग पोजीशन के अंदर जो ट्रेड है वो यहाँ पर हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है अबाउट द प्राइस ऑफ 8630 के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हो मॉर्निंग सेशन के अंदर भी वो आया वहाँ पर 8630 के नियर बाय और वहाँ से पूरा ब्रेक कर चुका था, राइट। बट यहाँ पर बाद में जो है यहाँ पर एक अच्छा सा खासा जो है ब्रेकआउट देखने मिला है और ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 50 to 70 पॉइंट का अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। हालाँकि जो पॉजिटिविटी थी वो काफ़ी बेहद अच्छी जो है देखने को मिली थी और डाउन साइड के अंदर भी यहाँ पर आपको जिस तरह से मैंने बताया था कि बिलो द प्राइस ऑफ दैट इज 8457 या फिर 8460 के नीचे कैंडल जाती है तो शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है, तो वो भी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली। तो कल का जो टारगेट था वो यहाँ पर हमें ऑन एवरेज बेसिस पर कम्प्लीट होते हुए देखने को मिला है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आज के सेशन के लिए। तो आज के सेशन के लिए जो सबसे अच्छा जो पोजीशन यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है फॉर गोइंग लॉन्ग इन दैट इज क्रूड ऑयल, तो वो यहाँ पर लेवल रहेगा यहाँ पर 8745 का। सो अबाउट द प्राइस ऑफ 8745 यहाँ पर आप जो है लॉन्ग पोजिशन बना सकते हो और उसके साथ साथ में शॉर्ट पोजिशन के लिए फॉर द टाइम बिंग 8629 या फिर 8625 के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल जाती है और सस्टेन करती है बिलो दैट प्राइस लेवल तो शॉर्ट पोजिशन बनाई जा सकती है। तो ये तो रहे यहाँ पर हमारे सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल एज वेल एज एंट्री एज वेल एज एग्जिट। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं RSI के ऊपर। RSI यहाँ पर अभी भी हमें जो है अपसाइड के ऊपर ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर मार्केट में स्ट्रेंथ ज़रूर है कि कैंडल जो है ऊपर जा सकती है और उसके साथ साथ में यहाँ पर MACD का जो इंटीमेशन देखने को मिला है एट द एंड ऑफ द सेशन वो भले ही शॉर्ट का है बट यहाँ पर आज देखते हैं कि यहाँ पर ओपनिंग के बाद किस तरह सेंटिमेंट यहाँ पर हमें MACD के अंदर देखने को मिलता है, अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम जो है हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, थोड़ी ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।